हेलो दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि पांच ऐसे डिजिटल मार्केटिंग जो आपको बर्बाद कर सकती है। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के चक्कर में नहीं पड़े और नहीं फंसे, जो आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं और बहुत पैसे आपका कोई दूसरा व्यक्ति खा सकता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पाँच ऐसा तरीका पाँच ऐसा पॉइंट बताएंगे कि इससे बच के रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड टीवी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखते होंगे अक्सर किसी भी कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होगा, वो ऐसे ही नहीं चलता है। मतलब उसका जरूर 100% किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का उसका कैंपेन चलाया जाता है। कैंपेन चलाया जाता है क्या, उससे पैसा लगाया जाता है और गूगल एड रन किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पास पहुँचे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास जाता है तो लोग सुन सुन के, देख देख के, दूसरे के लाइफ स्टाइल देख देख के वो क्या करते हैं, वो कोर्स को खरीदना चाहते हैं। लेकिन वो कोर्स तो खरीद लेंगे, लेकिन वो दूसरे को उससे फायदा हो सकता है। जैसे वो बेच रहा है गूगल एडवर्ड लगा के, यानी कि कंपेन चला के बेच रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप तो सिर्फ सीख लिए कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, लेकिन वो कंपेन लगा के बेच रहा है कोर्स को, तो उसमें उसकी कमाई हो जाती है लेकिन आपकी कमाई नहीं होती है। तो इससे बच के रहें। और दूसरा बात बता दे रहे हैं, एक और दूसरे पॉइंट की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग है, आप अभी बहुत सारे इंस्टाग्राम मोटिवेशन पेज है उस पर देखेंगे तो आपको लिखा रहेगा पैसा कमाने के 5 तरीके, तो वो सही है, लेकिन लास्ट में लिखा रहेगा बायो में लिंक है और जाके ओपन करें, आपको लाइफ बदल सकती है। लेकिन आप जाएंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए वहाँ बोला जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। हम डिजिटली तरीका से आपको बताएंगे कि किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग किया जाता है। तो वहाँ आपको मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में फंसाया जाता है, यानी फंसाया जाता ही कहेंगे, क्योंकि वो सीधा सीधा नहीं बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है। वो बताता है क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये सरासर गलत है। और तीसरी पॉइंट की बात करें तो वो आपको जैसे कि किसी भी मतलब अधिकतर लोग अभी यूट्यूबर या कुछ मतलब बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, इसमें आप देखेंगे तो आपके साथ ऐसे फ्रॉड होता है कि बोलेगा किसी को, कोई बोलेगा कि आपको मतलब 150 रुपये में 500 सब्सक्राइबर, 200 में इतने व्यूअर्स और 500 में इतने व्यूअर्स। तो ये सरासर गलत है, किसी भी सर्वर के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। बल्कि वो पहले बोलेंगे आपको कि हमारे पास इतना पेमेंट कर दो, आपको इतना सब्सक्राइबर या व्यूवर्स मिल जाएगा। लेकिन जब आप पेमेंट करते हो तो उसके बाद आपको न तो सब्सक्राइबर मिलता है और न ही व्यूवर्स मिलता है। बाद में आपको उधर से बोलेंगे कि आपका चैनल काम नहीं कर रहा है, आप 1800 या 1500 रुपया और दो, आपको इतना वाला सपोर्ट कर रहा है, इतना वाला आपको काम करेगा और इतना ज़्यादा व्यूवर्स आपको मिल जाएगा, तो आपको इतना ज़्यादा पैसा पेमेंट करने के लिए बोलेगा। लेकिन ये सरासर गलत है, ये फेक है और फ्रॉड है, तो इससे बच के रहें। तो चलिए चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे अफिलिएट मार्केटिंग जानते हैं, तो ये सही है डिजिटल मार्केटिंग में अफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग के बात करें तो किसी मतलब मैं भी अधिकतर डिजिटल मार्केटिंग के खोज में रहता हूँ, तो मेरे साथ जो जो हुआ है वो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अफिलिएट मार्केटिंग में बोले है कि आपको मतलब 2000 रुपया या 2500 रुपया या कोई बोले 10000 रुपये भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और किसी भी अफिलिएट मार्केटिंग किसे कहा जाता है, डेफिनेशन इसका क्या है। जैसे कि किसी भी मतलब किसी का भी प्रोडक्ट को हम बेच के उससे मुनाफा कमाते हैं, उसको मतलब अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, किसी को प्रोडक्ट लिए हम बेच दिए, मतलब कोई अपना मतलब प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट बेच दो, तो हम ऑनलाइन बेच दिए उसे या कैसे भी बेच दिए, तो उसे अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। और उसमें आपको बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट वाली बात सरासर गलत है, तो ऐसे चक्कर में ना पड़े। और पांचवा पॉइंट के बारे में बात करो कि मोटिवेशन सबको रहना चाहिए, मोटिवेट सबको रहना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में किसी भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड लेके कोई चीज़ मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से लेके कोई चीज़ में आपको मोटिवेशन ज़्यादा देता है कि आप एक साल अगर मेहनत करते हो तो आप लग्जरी लाइफ जीने लगोगे,
अगर एक साल मेहनत करते हो तो आप ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओ। बात सही है, लेकिन जितना बताया जाता है, जितना मोटिवेट किया जाता है, उतना होता नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे बंदे को है, जैसे बोला जाता है कि आप बहुत सक्सेस हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, लेकिन जब ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें बाद में उसका मतलब डिसएडवांटेज बताया जाता है। इसमें मतलब 100% में 97% लोग ही सक्सेस होते हैं, मतलब सॉरी 97% लोग हैं जो फेल हो जाते हैं, और 3% ही लोग हैं जो मतलब सक्सेस हो पाते हैं। तो यही बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग है जो सही भी है, इसमें भी है कोई कोई, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक सही तरीका है, लेकिन बहुत बंदा नहीं करना चाहते हैं, चाहता है उसको डिजिटल मार्केटिंग की तरह उसको मतलब प्रमोट किया जाता है, उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड टीवी को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें।